हम तो सब पे कृपा रखते हैं, बाकी अपने अपने कर्म के अनुसार मिलता है सबको। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ओम ब्रह्म श्री काल भैरवाय नमः। हेलो। ओम ब्रह्म श्री काल भैरवाय नमः फट स्वाहा। ओम श्री बटुक भैरवाय नमः स्वाहा। ओम ऐं ग्लौं त्रीं स्त्रीं क्लीं ह्रीं हूं ह्रीं 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 क्लीं हूं फट स्वाहा। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट स्वाहा। ओम क्रीं कालिका नमः 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 स्वाहा। बोल कालिका मैया की। कुछ लोगों के मन में एक सवाल है कि कालिका है तो जीव क्यों नहीं निकालती। भगत ने सात्विक पूजा की है हमारी, जीव निकाल करके आती है, वो भी हमारा ही रूप है, लेकिन वो तांत्रिक पूजा है, मरघट काली, शमशान काली के नाम से जाना जाता है वो रूप। ये सात्विक रूप है जिसमें जीव नहीं निकलती है। जय हो माता जी। अच्छा माता जी एक बात बताओ, जो भगत फूल पान प्रसाद लाए तुम्हारे लिए कबूल है? सबका तो नहीं, नहीं उनका भी करो, ऐसी बात नहीं, जिनको नहीं है देखेंगे, शक्ति देखेंगे उनकी कहाँ तक ठहर पाते हैं। ये अमित पाल ढहरासो है, ये कुछ पूछने चाहते हैं। कहीं भी काम पे जाओ काम लगनता है। पहली बात तो ये है कि उसका मन नहीं है पूजा, गौर नहीं करता। तो मैं तो कर रही हूँ, वो ना कर रहा, वो आया ही ना है, छोटा कर रहा अंदर, मैं कर रही हूँ। ये तो दवाई जो खाएगा फायदा तो उसे ही होगा, दूसरे छोड़ेगा। अमित तो इतना लापरवाह आदमी है कि खाने की सुध ना उसे पहनने की सुध, पूजा की तो जब करेगा तो कैसे ना कैसे समाज की करो, उनका भी करो कृपा मैया, दिमाग बदले उसको। बस एक ही बात नहीं हो पाती है किसी के करने से, कि जो दिमाग रखा जाता है वो प्रारब्ध के कारण रखा जाता है, और प्रारब्ध आदमी खुद बदल सकता है, कोई दूसरा नहीं बदल सकता अपने कर्मों से। माता रानी, मैं जगरा से बोल रही हूँ, दो लड़का है, दोनों में से कोई सा भी कामयाब हो जाए। तेरे घर में तो कोई कमी नहीं है, कि हमने अपने सेवक को मना कर रखा है कि अपने घर परिवार की कोई बात किसी को नहीं बताना है, लेकिन जब तुम आई गए हो तो सरकारी नौकरी के चक्कर में रकम मत फंसाना कहीं भी, किसी खास के पास भी। राई बेटी अच्छी लग जाए, बढ़ते बढ़ते अच्छी होगी। माता रानी नीलम आई है, मुरादाबाद पति है। नीलम के बारे में हमें सब पता है, तो फिर सही करो, लड़का बहुत परेशान करता है, खून का रिश्ता है हमारे सेवक का। हाँ तो वो तो करते हैं पूजा बहुत ज्यादा, सबको पता है, इसलिए हम खोल के चल रहे हैं। हाँ। कि जिसके बारे में सब कुछ पता है लोग ये सोचेंगे कि इसे तो पता है पहले से। हाँ सही बात, पूजा वूजा तो पता ही है, बैठे करते हैं अभी हर मंगलवार को हवन, लेकिन लड़का की बुद्धि अभी ऐसी है। अभी अभी बोला था ना हमने कि बुद्धि जो रखी जाती है प्रारब्ध के कारण रखी जाती है, लेकिन अभी उसका बचपना है, आप लोग मेहनत करोगे तो ठीक हो जाएगी उसकी बुद्धि। माता रानी एक बात और है, नीलम के मकान में एक वो मतलब रिश्तेदारी समझो वो निकल गए, तो मतलब कैसे निकले, किसी ने चढ़ा दिए क्या, कैसे अपने आप ही चले गए, और वो आएंगे दोबारा क्या, मतलब अलग दिन आने के मन से नहीं गए, वो आएंगे नहीं अब, एक % धक्का खा के आ भी सकते हैं, बाकी आने के मन से नहीं गए। दिक्कत तो सारे घर में है। हाँ, हम बहुत परेशान हैं। सोते में अचानक दबाव बनता है तो हमारे पे तो बनता है ना, पापा ज्यादा परेशान रहे मेरे। हाँ, परेशान तो रहे हैं, कभी बुढ़े हो जाए, कभी लौंडे हो जाए, मेहमान हो जाए, अस्पताल में सही रहती हर तरह की दबाव भी बनता है, कोई दूर का नहीं, घर कुंडवा का ही है, गुप्त रूप से नियम बता दिया जाएगा, उसका करना, जो भी मिले यहाँ से वो ले जाना, लाभ मिले तो दोबारा आना वरना मत आना। राहुल का प्रारब्ध खराब है, घर में कोई दिक्कत नहीं है, हल्की सी अटक देवताओं की थी उसे आप कर रहे हो। दस पाँच साल में ही ना नहीं होने का नहीं होने का, और हमारा बड़ा लड़का विवेक
विवेक की तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत चल रही है, ये छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है घर में। जो पूछने लायक चीज है उसे पूछो, इधर उधर की बात मत पूछो। सपूत है वो, गलत नहीं है कहीं से भी। छोटे मोटे तो खाते रहते हैं, ये बाल घबराना मत बिल्कुल, धापा तो पड़े रहना सर, कल्याण होगा। बोल सच्चे दरबार की।